हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रविचंद्र राणा। आज के टॉपिक में दोस्तों आपके लिए लाया हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है IRDA को, जो भी नई कार खरीदता है उसको 3 साल का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है और जो भी 2-व्हीलर बाइक खरीदता है उसको 5 ईयर्स का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। टॉपिक को देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, सो आई थॉट इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए और आपको इस चीज से अपडेट कराना चाहिए। सो इसके ऊपर थोड़ा लाइट डालते हैं, क्या एग्जैक्टली लेना है, क्या प्रॉब्लम है इसमें और क्या सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। तो अभी जब आप कार खरीदते हो आपको 1 ईयर का इंश्योरेंस खरीदना होता है और उसके साथ में आप गाड़ी का डिलीवरी लेते हो। दोस्तों 1 सितंबर 2018 से आप जब भी कार खरीदेंगे आपको 3 साल का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है और अगर आप 2-व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 5 ईयर्स का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। ये गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने IRDA को और सारी RTO को। जब भी आपकी गाड़ी RTO में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगी RTO चेक करेगा कि आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल की है कि नहीं, उसके बाद ही आपको गाड़ी का नंबर अलॉकेट करेगा और रजिस्ट्रेशन आपका गाड़ी का करेगा। फर्स्ट ईयर फुल्ली कंप्रेहेंसिव लेना है और सेकंड और थर्ड ईयर जो है वो आपका थर्ड पार्टी रहेगा। ये क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि जब 1 साल गुजर जाता था 60% ऑफ द बाइकर ये इंश्योरेंस खरीदते नहीं थे और 30% ऑफ द कार ओनर ये इंश्योरेंस नहीं खरीदते थे। सो काफी एक्सीडेंट जब कोर्ट में आते थे पता चलता था कि गाड़ी का इंश्योरेंस ही नहीं है और जो आदमी डैमेज हुआ या किसी की मौत हुई है उसको कंपनसेशन देना काफी प्रॉब्लमेटिक होता था। किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अंदर किसी की जान चली जाती है तो उसका कंपनसेशन कौन देगा। ये चीज ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर गाड़ी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो इस सब पॉलिसी में नुकसान किसका है और फायदा किसका है ये देखते हैं। ये पॉलिसी से दोस्तों सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है काफी जो इंश्योरेंस ब्रोकर थे जो उनका घर चलाते थे उनका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता था कि फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस जब ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला रहता था कार ओनर उनके इंश्योरेंस ब्रोकर्स को कांटेक्ट करता था। इंश्योरेंस ब्रोकर अलग अलग इंश्योरेंस की पॉलिसीज कंपेयर करके पॉलिसी होल्डर्स को ऑप्शन देता था कि आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं, ये इतना प्रीमियम देगा, कहीं ना कहीं थोड़ा कमीशन इंश्योरेंस ब्रोकर को मिलता था। उसके वजह से अब ये 5 साल तक एक ही इंश्योरेंस कंपनी रहेगा बाइक के अंदर और 3 साल तक कार में एक ही इंश्योरेंस कंपनी रहेगा। सो एक थोड़ा प्रॉब्लम है। सो ये इशू अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। दोस्तों IRDA एक चीज ला सकता है इस सब चीज को अवॉइड करने के लिए। IRDA कह सकता है सारी डीलरशिप को कि आप फोर्स नहीं कर सकते कोई भी कार बायर को कि आपसे इंश्योरेंस खरीदे, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि कार डीलरशिप जो होती है वो फोर्स करती है पॉलिसी होल्डर को कि आपको इंश्योरेंस मुझसे ही लेना होगा नहीं तो आपको कैशलेस बेनिफिट नहीं मिलेगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ये डर की वजह से पॉलिसी होल्डर जब भी कार खरीदता है ये पॉलिसी ऑप्शन बाहर नहीं देखता है और वो सीधा जब कार खरीदता है उनसे ही पॉलिसी खरीद लेता है। सो दोस्तों फायदा इसमें होगा कार डीलरशिप का, क्योंकि ये सीधा पॉलिसी बेचेंगे 3 साल के लिए और नेक्स्ट ईयर जब भी उनको ओन डैमेज जिसे हम लोग फुल्ली कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं उसका भी रिन्यूअल आता है तो यही लोग रिन्यूअल करेंगे। सो कमीशन जो है वो ज्यादा जाएगा कार डीलरशिप को। फुल्ली कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस मतलब आपको पता ही है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके गाड़ी का जो भी नुकसान होता है ये आपको आपके इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। थर्ड पार्टी में क्या होता है, थर्ड पार्टी में आप कार चला रहे हैं और कार चलाते वक्त आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चली गई या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, सो जो भी कंपनसेशन जो रहेगा ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है दोस्तों ये वैलिड होता है थर्ड पार्टी के लिए, मतलब जो आपकी गाड़ी के अलावा किसी का कोई नुकसान होता है उस लिए। सो दोस्तों इंडिया में आप देखते हो थर्ड पार्टी का ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो आप छोटा मोटा पैसा देके वहां पे मैटर को रफा दफा कर देते हो। मैंने 5 साल लंदन में गाड़ी चलाई है। लंदन में ऐसा होता है दोस्तों कोई अगर आपकी गाड़ी पे आके एक्सीडेंट कर दे और आपका फॉल्ट नहीं है उसकी इंश्योरेंस कंपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करती है और आपका भी जो डैमेज है ये पूरा भर के देती है। हमको अगर IRDA थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है तो थर्ड पार्टी क्लेम करना काफी ईजी हो जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ सिंप्लीफाई करना चाहिए क्योंकि यूके में मैं जब था NCB जिसे हम नो क्लेम डिस्काउंट कहते हैं इसको काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड होता था। आपका जितना अच्छा नो क्लेम डिस्काउंट है वैसा ही इंडिया में है कि आपका अगर नो क्लेम डिस्काउंट अच्छा है तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है प्रीमियम में। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपका उसमें फॉल्ट नहीं है लेकिन आप क्लेम करते हो तो
नेक्स्ट ईयर आपका फॉल्ट भी नहीं है तो भी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा पे करना होता है क्योंकि आपने क्लेम किया है। आई फील समवेयर कि जिसकी गलती नहीं है उसको प्रीमियम भी ज्यादा भरना पड़ रहा है और खुद का डैमेज के लिए भी पेमेंट करना पड़ रहा है। सो आई फील ये इनजस्टिस है उस बंदे के साथ में जिसका फॉल्ट नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि IRDA ने थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए थर्ड पार्टी क्लेम में। सारी इंश्योरेंस कंपनियों को गाइडलाइन देनी चाहिए कि थर्ड पार्टी क्लेम आपके लेवल पे सेटल कीजिए क्योंकि ऑम्बड्समैन अगर कहता है तो इंश्योरेंस कंपनियों को फॉलो करना पड़ेगा। जो इश्यू है इसके ऊपर काफी अपडेट्स फ्यूचर में आने वाले हैं। अभी करंटली IRDA ने 16 लोगों का एक टीम बनाई है। 16 लोगों की टीम ये सारे टॉपिक को रिसर्च करेंगी और उस हिसाब से एक प्रपोजल जो है वो IRDA को देंगी। IRDA उस प्रपोजल को देखेगा, उस हिसाब से फ्यूचर की जो पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट करेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि विदाउट इंश्योरेंस कार या बाइक मत चलाइए। आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कन्विंस कीजिए कि आप जब भी कार चलाते हो या बाइक चलाते हो आपका कार का बाइक का हमेशा इंश्योरेंस होना चाहिए। सो दोस्तों कोई भी अगर अपडेट आता है तो आई विल मेक श्योर कि आपको मैं अपडेट दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे प्रेस कर लीजिए तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। Riders, please wear helmet. Driver, please wear seat belt. Keep the road clean. Keep the road safe. Keep the city clean. Thank you.